काल का प्रभाव और मानव जीवन की अनित्यता। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, महामुने, जब जगत में काल आदि के चरित्र ऐसे हैं, तब आप ही बताइए इस संसार नामधारी प्रपंच में मेरे जैसे लोगों की क्या आस्था हो सकती है। मुने, इन दैव प्रारब्ध कर्म आदि के द्वारा की हुई सुख दुख आदि रूप प्रपंच रचनाओं से मोहित हुए हम लोग किसी के हाथ बिके हुए दासों तथा वन के मृगों की भांति पराधीन हो रहे हैं। जैसे सर्प वायु को पीता है, उसी प्रकार यह क्रूर आचरण करने वाला काल तरुण शरीर को बुढ़ापे में पहुंचाकर समस्त प्राणी समुदाय को निरंतर अपना ग्रास बनाता रहता है। काल निर्दयों का राजा है, वह किसी भी आर्त प्राणी के ऊपर दया नहीं करता। संपूर्ण भूतों पर दया करने वाला उदार पुरुष तो इस संसार में दुर्लभ हो गया है। मुने, जगत में जितनी भी प्राणियों की जातियां हैं, उन सबका वैभव अल्प एवं तुच्छ है, तथा जितने भी भोग के स्थान हैं, वे सभी भयंकर और परिणाम में दुरंत दुख की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। प्राणियों की आयु अत्यंत चपल अर्थात अस्थिर है, मृत्यु बहुत ही निर्दयी है, जवानी भी अधिक चंचल होती है और बाल्यावस्था मोह में ही बीत जाती है। संसारी मनुष्य गाने बजाने की कला के रस अथवा विषय अनुसंधान से कलंकित है। बंधु बांधव संसार में बांधने के लिए रस्सी के समान हैं। भोग इस जगत के महान रोग हैं तथा सुख आदि की तृष्णाएं मृग तृष्णा के समान है। बिना जीती हुई इंद्रियां ही शत्रु हैं। सत्य स्वरूप आत्मा असत्य सा हो गया, अर्थात जीवात्मा अज्ञान के कारण देह को ही अपना स्वरूप मानने लग गया। बिना जीता हुआ मन बंधन का हेतु होने से आत्मा का शत्रु है, एवं अज्ञानवश यह जीवात्मा स्वयं ही अपने आप पर उस मन के द्वारा प्रहार करता है। अहंकार ही कलंक का कारण है। बुद्धियां अत्यंत कोमल अर्थात आत्मनिष्ठा से रहित हैं। क्रियाएं शास्त्र विरुद्ध होने से दुख रूप फल देने वाली हैं, और लीलाएं अर्थात शरीर और मन की चेष्टाएं स्त्री की प्राप्ति में ही केंद्रित हैं। केवल स्त्रियां ही उनका विषय हो गई हैं। इच्छाएं विषयों में ही शोभा पाती हैं, वे भोगों की ओर ही दौड़ती हैं। परमात्मा स्फूर्ति रूप चमत्कार नष्ट हो गए हैं। स्त्रियां दोषों की सेनाएं हैं तथा संपूर्ण विषय रस वास्तव में नीरस है। महात्मन, दूषित बुद्धि ने सबके अंतःकरण को व्याकुल कर रखा है। अज्ञान के कारण सभी संतप्त हो रहे हैं। राग रूपी रोग दिनों दिन बढ़ रहा है और वैराग्य दुर्लभ हो रहा है। आत्मदर्शन की शक्ति रजोगुण से नष्ट हो गई है, अतः सतत्व गुण नहीं प्राप्त होता, केवल तमोगुण बढ़ रहा है। इसलिए तत्व अर्थात सच्चिदानंद घन परमात्मा अत्यंत दूर है। जीवन अस्थिर हो गया है, मृत्यु जल्दी ही आने के लिए उत्सुक है। धैर्य शिथिल हो गया है और तुच्छ विषय भोगों के प्रति लोगों की आसक्ति प्रतिदिन बढ़ रही है। बुद्धि मूढ़ता से मलिन हो गई है। शरीर का अंतिम परिणाम एकमात्र पतन अर्थात विनाश ही है। देह में जरावस्था प्रज्वलित हो उठी है और पाप की ही बारंबार स्फुणा होती है। जवानी यत्न पूर्वक भागी जा रही है, सत्संग दुर्लभ हो गया है, कभी कोई उत्तम आश्रय नहीं मिलता और सत्य भाव का उदय तो कहीं हो ही नहीं रहा है। मन मोह से आच्छन्न सा हो रहा है। दूसरे को सुखी देखकर होने वाला आत्मसंतोष मानो दूर चला गया है। उज्ज्वल करुणा का उदय नहीं हो रहा है और नीचता दूर से निकट चली आ रही है। धीरता अधीरता में परिणत हो रही है। जीवों का काम केवल आवागमन जन्म लेना मरना रह गया है। दुष्टों का संग पद पद पर सुलभ है, परंतु सत्पुरुषों का संग अत्यंत दुर्लभ हो गया है।
संपूर्ण पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। वासना संसार में बांधने वाली है और काल प्राणियों की परंपरा को नित्य कहीं अज्ञान स्थान में लिए जाता है। दिशाएं भी नहीं दिखाई देती, देश भी विदेश सा हो जाता है और पर्वत भी बिखर कर ढह जाते हैं। फिर मेरे जैसे मनुष्य की स्थिरता में क्या विश्वास है? सत्ता मात्र ही जिसका स्वरूप है, वह काल आकाश को भी खा जाता है, 14 भुवनों को भी अपना भोजन बना लेता है। पृथ्वी भी विनाश को प्राप्त हो जाती है, फिर मेरे जैसे मनुष्य की स्थिरता पर क्या विश्वास किया जा सकता है? कालवश समुद्र भी सूख जाते हैं, तारे भी टूटकर बिखर जाते हैं, सिद्ध भी नष्ट हो जाते हैं, फिर मेरे जैसे मनुष्य की स्थिरता पर क्या आस्था हो सकती है? बड़े बड़े दानव भी विदीर्ण हो जाते हैं, ध्रुव भी अध्रुव जीवी बन जाते हैं और अमर भी मरण को प्राप्त होते हैं, फिर मेरे जैसे मनुष्य की स्थिरता पर क्या विश्वास हो सकता है? काल अपने अगणित मुखों से इंद्र को भी चबा जाता है, यमराज को भी वश में कर लेता है और उसी के प्रभाव से वायु भी अवायु हो जाता है, अपना अस्तित्व खो बैठता है, फिर मुझ जैसे मनुष्य की स्थिरता पर क्या विश्वास हो सकता है? सोम अर्थात चंद्रमा भी कालवश आकाश में विलीन हो जाता है, सूर्य के भी खंड खंड हो जाते हैं और अग्नि भी भग्नता अर्थात विनाश को प्राप्त हो जाती है, फिर मुझ जैसे मनुष्य की स्थिरता पर क्या आस्था की जा सकती है? जो काल अर्थात मृत्यु को भी कवलित कर लेता है, नियति को भी टाल देता है और अनंत आकाश को भी अपने आप में विलीन कर लेता है, उस महाकाल के होते हुए मुझ जैसे मनुष्य की स्थिरता पर क्या विश्वास किया जा सकता है? जिसका कानों से श्रवण, वाणी से वर्णन और नेत्रों से दर्शन नहीं होता, ऐसे अज्ञात स्वरूप एवं माया के उत्पातक किसी सूक्ष्म तत्व के द्वारा 14 भुवन अपने आप में ही माया द्वारा दिखाए जा रहे हैं। वह तत्व निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा ही है। समष्टि अहंकार रूप कला को प्राप्त होकर सबके भीतर निवास करने वाला वह कला का ही काल रूप परमात्मा तत्व सबसे महान है। समष्टि अहंकार रूप कला को प्राप्त होकर सबके भीतर निवास करने वाला वह काल का भी काल रूप परमात्मा तत्व सबसे महान है। तीनों लोकों में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो उसके द्वारा नष्ट न किया जा सके। स्वर्ग में देवता, भूतल पर मनुष्य और पाताल में सर्पों की सृष्टि उसी ने की है। वही अपने संकल्प मात्र से इन सबको जर्जर दशा में पहुंचा देता है। अनुराग युक्त कामिनियों ने अपने चंचल लोचनों द्वारा कटाक्ष पूर्वक जिसकी ओर देखा है, उस पुरुष के मन को महान विवेक भी स्वस्थ नहीं कर पाता। जो दूसरों का उपकार करने वाली है और दूसरों की पीड़ा देखकर संतप्त हो उठती है, अपनी आत्मा को शांति प्रदान करने वाली उस शीतल बुद्धि से युक्त ज्ञानी महात्मा ही सुखी है, ऐसा मेरा विश्वास है। जैसे समुद्र में उत्पन्न हो बड़वाग्नि के मुख में गिरकर नष्ट होने वाली असंख्य लहरों को कोई गिन नहीं सकता, उसी तरह संसार में उत्पन्न हो काल के मुंह में पड़ने वाले अनंत प्राणियों की गणना कौन कर सकता है? जैसे झाड़ियों में बैठे हुए मृग या पक्षी अपनी जिह्वा की लोलुपता के कारण मोहवश जाल में पड़कर नष्ट हो जाते हैं, उसी तरह दुराशा पाश में बंधे हुए सभी मनुष्य दोष रूपी झाड़ियों के मृग बने हुए हैं। सबके सब मोह जाल में फंसकर पुनर्जन्म रूपी जंगल में नष्ट हो जाते हैं। इस संसार में लोगों की आयु विभिन्न जन्मों में किए गए कुकर्मों से नष्ट हो रही है। यदि आकाश में वृक्ष हो, उस वृक्ष में लता हो और उस लता से गले में फांसी लगाकर मनुष्य को लटका दिया जाए, तो उससे जो दुख होगा वैसा ही दुखमय फल उन कुकर्मों का भी बताया गया है। उस दुख की निवृत्ति के लिए उपाय करना तो दूर की बात है, उस उपाय का विचार करने वाले लोग भी यहाँ हैं या नहीं
हमें इसी का पता नहीं है। मुनीश्वर, इस संसार में लोगों की बुद्धि चंचल और मृदु है। उसी बुद्धि से युक्त मनुष्य व्यर्थ ही अनेक संकल्प विकल्पों का जाल रचते हुए कहते हैं, आज उत्सव है, यह बड़ी सुहावनी ऋतु है, इसमें यात्रा करनी चाहिए। वे लोग हमारे भाई बंधु हैं और यह सुख विशिष्ट भोगों से युक्त है। इन्हीं संकल्पों में पड़े पड़े वे सब लोग एक दिन काल के गाल में चले जाते हैं।